दुनिया में ऐसी कई सारी जगहें हैं जिसके बारे में हम आज भी नहीं जानते। इनमें से कुछ जगहें तो सामान्य हैं, लेकिन कुछ जगहें बेहद ही रहस्यों से भरी पड़ी है जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। आज इंसानों ने भले ही कई बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बना ली हो, लेकिन दुनिया में प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं। इसलिए आज मैं आपको प्रकृति द्वारा बनाई गई 5 सबसे रहस्यमय जगहों के बारे में बताऊंगा जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 1 पर है डेविल्स कैटल। डेविल्स कैटल सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। इस झरने से गिरने वाला पानी दो भाग में बट जाता है, जिसका एक भाग नदी में जाकर मिलता है तो दूसरा भाग एक लेक में जाकर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर वो पानी जाता कहाँ है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहे। शोधकर्ताओं ने एक बार इस लेक में बहुत सारा कलर डाल दिया, लेकिन फिर भी नदी के पानी का रंग नहीं बदला। और तो और, इस लेक में हजारों प्लास्टिक की बॉल भी डाली गई, लेकिन वो सभी प्लास्टिक की बॉल रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। एक भी बॉल उस नदी में जाकर नहीं मिली। इसके अलावा और भी कई तरीकों से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन सभी में वो नाकामयाब रहे। इसलिए आज भी जगह रहस्यमय बना हुआ है। जो भी व्यक्ति इस जगह पर घूमने आता है, इस जगह को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरे नंबर पर है बेरियसा स्पिलवे। सैन फ्रांसिस्को में बनाई गई ये आर्टिफिशियल लेक दुनिया की सबसे खूबसूरत और अनोखे लेक में से एक है। पहली बार जो भी इसे देखता है वो इसे देखकर हैरान रह जाता है। इसे देखने में ऐसा लगता है जैसे लेक का पानी जमीन के अंदर समा रहा हो, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक मैनमेड स्ट्रक्चर है, यानी इसे इंसानों ने बनाया है। इस लेक को बनाने के लिए एक कंक्रीट पाइप का इस्तेमाल किया गया है। इसे देखने पर किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। इस जगह को देखने के लिए हर दिन कई सैलानी आते हैं। तीसरे नंबर पर है द स्लीपिंग सिटी। इस गांव में रहने वाले लोग बेहद ही अजीबोगरीब हैं। यहाँ के लोग एक अजीबोगरीब बीमारी के शिकार हैं। ये लोग चलते फिरते अचानक कहीं भी सो जाते हैं, चाहे वो गार्डन हो या सड़क। और तो और, ये साइकिल या बाइक चलाते हुए भी सो जाते हैं, और जब ये सोकर उठते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता कि वो कहाँ सोए थे। वैज्ञानिकों ने जब इन पर शोध किया और इनके अचानक सोने के कारण जानने की कोशिश की तो वो भी कुछ वजह नहीं बता पाए। इस गांव में कुल 810 लोग रहते हैं, जिनमें से 550 लोगों को ये बीमारी है। दोस्तों, आप दिन में कितने घंटे सोते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चौथे नंबर पर है ईस्टर आइसलैंड। ये आइसलैंड अपने विशाल मूर्तियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 1000 विशाल मूर्तियों का स्मारक है, और यहाँ पर मौजूद एक एक मूर्तियों का वजन 100 टन से भी ज्यादा है। ये मूर्तियाँ इतनी ज्यादा मजबूत है कि इसे हथौड़े से भी मारने पर इसमें एक खरोंच तक नहीं आती। इतने बड़े विशाल मूर्तियों को किसने बनाया होगा ये आज तक कोई नहीं जानता। इसलिए ये जगह आज तक एक रहस्य में बना हुआ है। किसी इंसान ने अगर इन मूर्तियों को बना भी दिया होगा तो सवाल ये उठता है कि इन्हें एक जगह से दूसरे जगह कैसे लाया गया होगा, क्योंकि आज से कई सौ साल पहले बड़ी बड़ी मशीनों जैसी कोई चीज नहीं होती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन मूर्तियों को कैसे बनाया होगा? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। पांचवें नंबर पर है लेक दैट चेंज कलर। ऑस्ट्रेलिया के मिडिल आइसलैंड में बना ये लेक लोगों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। इस लेक में मौजूद पानी के अनोखे कलर की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। रोज हजारों लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। एक चौंकाने वाली बात यह है कि इस लेक के पानी का रंग हमेशा बदलते रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक मानव निर्मित झील है, लेकिन इसके पानी का रंग कैसे लाल हो गया ये आज तक कोई नहीं जान पाया। जिस झील से इस लेक में पानी आता है उसका कलर सामान्य है, लेकिन इस लेक में आते ही पानी का रंग बदल जाता है। दोस्तों, आप भी अगर ऐसी किसी रहस्यमय जगहों के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आप हमारे नए चैनल साइंस टिप को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इस चैनल पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पे क्लिक करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।